अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हमारे पास यूनिट 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक नया कॉन्सेप्ट जो कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर आप देख चुके हैं कि आपके पास जो म्यूचुअल इंडक्शन का जो एक प्रोसेस था, उसके अंदर हमने एक कोयल में करंट इंड्यूस करने की वजह से हमने दूसरी कोयल के अंदर भी करंट इंड्यूस करवा लिया था विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कुछ इस तरह का प्रोसेस एक फॉलो किया गया था जो कि म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर था, और सेम यही एक एप्लीकेशन आपके पास जो है इसका यूजेज जो है वो ट्रांसफार्मर के अंदर किया जाता है कि हमारे पास जो है वो एक कोयल से करंट पास करवाने की वजह से हम दूसरे कोयल के अंदर भी करंट का इंडक्शन जो है वो पॉसिबल करवाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो एक कोयल में से जो करंट के चेंज होने की वजह से हमारे पास दूसरे कोयल में करंट की इंडक्शन जो है वो पॉसिबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है जिसकी बेस पर हम जो है एक्चुअल में ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। बेसिकली ट्रांसफार्मर का यूज हमारे पास किया जाता है कि वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, कि वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, कि अगर आप किसी कमर्शियल एरिया पर या किसी जगह पर अगर आपको वोल्टेजेस काफी ज्यादा आपको कमर्शियली प्रोवाइड किए जा रहे हैं बट आपको काफी कम वोल्टेजेस रिक्वायर हैं फॉर योर ऑफिस और फॉर योर अप्लायंसेस, तो हम वहां पर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं ताकि हम जो है कमिंग वोल्टेजेस जो कि कमर्शियली आपके पास 440 जबकि डोमेस्टिकली आपके पास 220 वोल्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन हर किसी अप्लायंस को इतने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसलिए हम जो है वोल्टेजेस को कंट्रोल करते हैं, उनको डिक्रीज करते हैं, उनको इंक्रीज करते हैं ताकि हमारे पास जो है वोल्टेजेस परफेक्टली प्रोवाइड किए जाएं अप्लायंसेस को और वो अपनी 100% एफिशिएंसी पर वर्कआउट करें। ये बेसिक एक यूजेज है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफार्मर के पीछे, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो वोल्टेजेस को इंक्रीज या डिक्रीज करने का एक काम कंप्लीट प्रोसेस किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर की तरह स्टार्ट करते हैं टॉपिक के। एक्चुअली आपके पास ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि एक साइड से हम जो है वो इनपुट देते हैं जबकि दूसरी साइड से हमारे पास जो है वो आउटपुट एज ए रिजल्ट हमें मिलती है। तो वो वोल्टेज जिसको हमने चेंज करना होता है, जिसको हमने इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा द वोल्टेजेस, उनको हम जो है प्राइमरी कॉइल कहते हैं कि वो प्राइमरी कॉइल है हमारे पास जिसको हमने एक्चुअल में इंक्रीज करना है, उसके वोल्टेज को डिक्रीज करना है, तो उस तरह उस कॉइल को हम नाम देते हैं प्राइमरी कॉइल का। जबकि वो कॉइल जहां से हमें आउटपुट मिल रही होती है और जो रिजल्टेड आगे पास वोल्टेज होगी मिड से डिक्रीज होने के बाद या इंक्रीज होने के बाद, उस कॉइल को हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल आपके पास। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है ये सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल के बीच में होगा, डिपेंड करता है कि आपके पास ट्रांसफार्मर की जो है नेचर किस तरह से है, क्या क्या नाम है, यू कैन से क्या उसका स्ट्रक्चर है जिसकी बेस पर हमारे पास जो है वो दो तरह के ट्रांसफार्मर्स बनाए जाते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आपके पास एक सेकेंडरी कॉइल होती है, दूसरी आपके पास क्या होती है प्राइमरी कॉइल, सेम एज लाइक इन म्यूचुअल इंडक्शन के प्राइमरी कॉइल में से हम करंट की इंडक्शन जो है वो सेकेंडरी कॉइल में करवाते हैं, सेम आपके पास ट्रांसफार्मर के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है। तो एक कॉइल में से जब आपके पास करंट फ्लो करता है तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कॉइल में से भी फ्लो करना शुरू करती है और एज रिजल्ट हमारे पास जो है यहाँ पर एक करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, जो कि अल्टरनेटिंग करंट होगा। तो यहाँ पर आपके पास एक्चुअली में ट्रांसफार्मर के दो तरह के टाइप्स हैं, एक है स्टेप अप, दूसरा आपके पास स्टेप डाउन। स्टेप अप मींस कि जिसके अंदर आपके पास जो वोल्टेज ऑन प्राइमरी जो है, ठीक है, वो ऑलवेज लेस देन क्या होंगे वोल्टेज ऑन सेकेंडरी, मीन टू से कि आपके पास प्राइमरी पर वोल्टेज कम होंगे जबकि सेकेंडरी वोल्टेज क्या होंगे ज्यादा होंगे। तो कुछ इस तरह के सिनेरियो को हम क्या नाम देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और आप देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है जबकि आउटपुट वाले एंड पर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। यही वजह है कि जिसकी वजह से इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है कि आपके पास प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास ज्यादा होते हैं और यू कैन से मोर देन द प्राइमरी कॉइल। सो ऐसे रिजल्ट आपके पास यहाँ पर कॉइल्स की क्वालिटी ज्यादा होने की वजह से, लेंथ ज्यादा होने की वजह से आपके पास यहाँ पर जो करंट की इंडक्शन होती है वो ज्यादा पावरफुल और एज रिजल्ट काफी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस तरह का प्रोसेस एक इस तरह का स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरी कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जबकि सेकेंडरी कॉइल पर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो, तो इसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि आप हमारे पास जो है प्राइमरी वोल्टेज कम होते हैं और सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास क्या होंगे एज रिजल्ट ज्यादा होंगे। ऑन अदर हैंड अगर हम बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास जो प्राइमरी कॉइल है उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है जबकि सेकेंडरी कॉइल पर आपके पास नंबर ऑफ टर्न क्या है कम है, तो इसलिए हम इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो प्राइमरी वोल्टेज होता है वो ग्रेटर देन होता है
सेकेंडरी वोल्टेज के, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास जो कमी स्ट्रॉन्ग वोल्टेजेस हैं हम उनको डिक्रीज कर दें। तो ये डिपेंड करता है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स किस एंड पर ज्यादा हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किस तरह से पता चलेगा, हाउ यू कैन डिफाइन दैट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर ये देना है, वी कैन डिसाइड दैट अ ट्रांसफॉर्मर विल बी स्टेप अप और स्टेप डाउन विद द हेल्प ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल आर ग्रेटर देन दैट नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी, सो इट मींस दैट ट्रांसफॉर्मर इज स्टेप डाउन। बट ऑन अदर हैंड अगर हम देखें द व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल, सो दैट ट्रांसफॉर्मर शुड बी विल बी अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो ये आपके पास दो डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूछी जा सकती हैं आपसे कि व्हाट इज स्टेप अप एंड व्हाट इज स्टेप डाउन एंड हाउ यू कैन डिफाइन द स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो इसी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके पास। वो कहता है कि यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेजेस, कि आपके पास यहाँ पर वोल्टेज की सारी गेम है, वोल्टेज ऑन सेकेंडरी, वोल्टेज ऑन प्राइमरी। तो यहाँ पर आपके पास ट्रांसफॉर्मर के अंदर बेसिकली वोल्टेजेस का कंट्रोल जो है वो किया जाता है। उसके साथ साथ वो कहता है वर्किंग प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास एक कॉइल से दूसरे कॉइल के अंदर इंडक्शन करवाई जा रही है, और ये कोई भी प्रोसेस जहाँ पर आप देखें कि एक कॉइल से इंडक्शन जो है वो दूसरे कॉइल में होगी, सो इट मींस कि आप जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना जो है वहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और लास्ट में कहते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर, कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर आपके पास क्या होगा जिसके अंदर आपके पास जितनी आप इनपुट पावर करेंगे उतनी आपके पास एज रिजल्ट आउटपुट पावर होगी। ये बात के पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, अमाउंट ऑफ वोल्टेजेस, अमाउंट ऑफ पावर जो है वो कुछ ना कुछ डिसिपेट होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर वायर की रेजिस्टेंस भी होगी, और एज रिजल्ट हम यहाँ पर ये एक मीडियम यूज करेंगे, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम कह सकते हैं आप इसको, या आप इसको एक रोड कह सकते हैं जिसके ऊपर हमारे पास जो है कॉइल को वाइंड किया हुआ है, इसकी भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी। और बेसिकली वायर की अपनी रेजिस्टेंस होने की वजह से उसकी पावर के ऊपर या उसके वोल्टेज के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट लाजमी पड़ेगा। तो रियली रियल सिनेरियोस के अंदर हमारे पास इस तरह का पॉसिबल नहीं है कि हम जितनी इनपुट करें एज ए रिजल्ट हमें उतनी आउटपुट मिले, ठीक है, वो किसी और फॉर्म में आपके पास चेंज हो सकती है। लेकिन आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जब बात की जाती है तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारे पास जितनी इनपुट पावर होगी एक्चुअली वो हमारी आउटपुट पावर के इक्वल होगी। अब इसकी छोटी सी एक डेरिवेशन है, सिंपल आसान अल्फाज के अंदर जरा वो मैं लिख दूं आपको। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन या एक बेसिक आपके पास जो कॉन्स्टेंट फ्रैक्शंस हैं ट्रांसफॉर्मर को लेकर, वो ये कि वोल्टेज ऑन सेकेंडरी ओवर वोल्टेज ऑन प्राइमरी इक्वल टू वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी ओवर नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी। ये एक्चुअली आपके पास जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, जो कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर वी एस मीन टू से के वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी कॉइल, बी पी मीन टू से के वोल्टेज ऑन द प्राइमरी कॉइल, एन एस मीन टू से के नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी एंड एन पी मीन टू से के नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। तो ये बेसिक एक्चुअली आपके पास एक कॉन्सेप्ट था होल ट्रांसफॉर्मर का, जो कि सिर्फ यूज इसलिए किया जाता था ताकि हमारे पास वोल्टेजेस जो है अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट जो है हम उनको मीट कर सकें। और जहां पर हमारे पास मोस्टली जितनी भी अप्लायंसेज हैं वहां पर हमारे पास ट्रांसफॉर्मर जो है वो यूज किए जाते हैं, जो सेंसिटिव आपके पास डिवाइसेज हैं, जो यू कैन से कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं, उसके अंदर भी हमारे पास जो है ये ट्रांसफॉर्मर का यूज जो है वो किया जाता है। मोस्टली आपके पास मोबाइल चार्जर्स हैं उनके अंदर भी आपके पास स्मॉल छोटा सा एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है जो कि आपके वोल्टेजेस को हैंडल कर रहा होता है। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। आज का जो टॉपिक था वो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड था, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप काइंडली लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।